देख रहा हूं। तो इसी से पूछो, बुजदिल वारदात के बाद ये घर में चुपकर बैठा हुआ था, लेकिन मैं तो इसे कब्र से भी ढूंढ कर निकाल लेता। डालूंगा ना अभी। चुप करो, मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरे घर आ रहे हो तो अपना गुस्सा अपने घर छोड़कर आना। It was not so difficult. पर ये मेरी गलती है कि मुझे लगा था कि तुम जैसा जानवर कभी इंसान भी बन सकता है। मगर मारी बस मुझे कुछ नहीं सुनना। जाओ यहां से। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे इस भाई को छोड़ूंगा नहीं। इसी ने उस रात टीना पर फायर किया था और फिर बुजदिल भगोड़ों की तरह अपने गुंडे दोस्तों के साथ भाग गया। और तुम याद रखना, तुम और तुम्हारे वो बगैर दोस्त ज्यादा देर बच नहीं सकेंगे। मुझे इंतजार तो मैं करूंगा, तेरा कदमों पे नहीं जा पाएगा। तुम मेरी बात सुनो, आज के बाद मेरे भाई के करीब कभी मत आना। प्लीज डिपॉजिट कर देना, ओके? उसका नंबर अभी तक ऑफ जा रहा है। यार ये आर्यन भी ना, जानता है कि उसकी खबर लेने के लिए हम मरे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, फोन ऑफ है। ये आर्यन मरियम के घर गया है ना, और उसके भाई से मिला है, कहीं इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? मुझे नहीं लगता कि आर्यन इतना स्टूपिड है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वो कोई बहुत अच्छी न्यूज लेकर आएगा, तुम देखना। तुम मरियम का नंबर डायल करो ना। कई बार मिला चुकी हूँ, लेकिन उन मोहतरमा का फोन भी ऑफ है।
ये आर्यन क्या आज ही शादी की तारीख लेके आएगा? I don't get it. इतना लंबा डिस्कशन. To be honest, I'm really happy for Aryan. और मुझे लगता है कि उन दोनों की जोड़ी बहुत जमेगी. और मुझे तो वैसे भी मरियम बहुत अच्छी लगती है. और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यही है जो हमारे आर्यन को संभाल सकती है. हम तो नहीं संभाल पाए. So selfish है. Phone off कर दे. मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरे घर आ रहे हो तो अपना गुस्सा अपने घर छोड़कर आ. पर ये मेरी गलती है कि मुझे लगा था कि तुम जैसा जानवर कभी इंसान भी बन सकता है. चले जाओ यहां से. मुझे दिखाओ. हाँ बहुत खून निकल रहा है. इधर देखो. वो क्यों कह रहा था इसे? हटो पीछे. हमारे फजूल सवालों को एंटरटेन नहीं करना मैंने. फजूल सवाल नहीं है. मुझे सच बता. क्या सच बताऊं तुम्हें? क्या? कि तुम उस रात कहाँ थे? क्योंकि मैंने सलीम चाचा से पूछा था. मुझे याद है मैंने उनसे पूछा था कि तुम कहाँ. उन्होंने कहा था कि तुम ले. इनफैक्ट तुम उस दिन रात को गायब थे. तुम कहाँ थे शेरी? सीरियसली 2 दिन नहीं हुए तुम्हें उस लड़के से मिले हुए. उसकी बातों पे यकीन आ रहा है? अपने भाई की बातों पे यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? नहीं ये बात नहीं. क्या बात है? मुझे तो कहती हो तुम कि अपने फ्रेंड्स देख के रखा करूं. खुद एक सड़क छाप को तुमने घर पे बुला लिया. नहीं लेकिन वो तुम्हारे बारे में झूठ क्यों बोलेगा? सच में तुम्हें बता चुका हूं मरियम. क्या बता चुका हूं? यही कि वो साइको है. तुम्हारे ना इर्द गिर्द वो भटकना नहीं चाहिए क्योंकि अगर वो मुझे दोबारा नजर आया ना तुम्हारे आसपास तो मैं जान ले लूंगा फिर उसकी. शेरी शेरी मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई. आर्यन का कुछ करना पड़ेगा. अबे बात तो सुन ले. मेरे घर पे तमाशा करके गया वो. मिलेगा तो बताऊंगी. ठीक है छोड़ना नहीं है उसको बस.